तो बिल्कुल पा रही है, ये दरवाजा ज्यादा तक उनको रोक नहीं पाएगी यार। पर बहुत सारे, अब मैं क्या करूं यार? अच्छा आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, फ्रैंकलिन बहुत सारे यार दरवाजा के जस्ट सामने खड़े हैं, अगर उन्होंने मारने शुरू कर दिया तो दरवाजा तोड़ देंगे यार। फ्रैंकलिन हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा किसी न किसी तरह से। अंदर अंदर जल्दी करो। फ्रैंकलिन मदद के लिए वक्त लगेगा, हमें निकलना होगा, वो बहुत सारे यार। मुझे पता है, ठीक है मैं कोशिश करता हूँ अपने पैर पे खड़े होने की। नहीं फ्रैंकलिन अभी तुम्हारा फ्रैक्चर सही से भरा नहीं है यार, मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। जो अगर मैं ऐसे ही बैठा रहूंगा तो हम दोनों मारे जाएंगे, हमारे पास ज्यादा गोली नहीं है, बंदूक सिर्फ एक ही है और उन लोग को आने में वक्त लग जाएगा और बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ हैं, उनकी भी जान खतरे में पड़ जाएगी, समझ रहे हो नहीं तुम? अच्छा ठीक है कोशिश करो। आ जाओ बाहर आ जाओ। सही दिशा में अच्छी तरीके वाली गाड़ी हमको मिल गई, उससे जल्दी जाते हैं फ्रैंकलिन के पास, बस पहुँचने ही वाले ज़ॉम्बीज़ की आवाज आ रही भाई, हमारे कल बहुत सारे होंगे, जल्दी पहुँचता हूँ। ठीक है ये ले, अरे बाप रे बहुत सारे भाई, अरे बाप रे बाप, अरे नहीं 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 नहीं, ये लो जल्दी अंदर जाना होगा, फ्रैंकलिन को यहाँ से निकालना होगा। ठीक है जल्दी, इतने सारे को मार नहीं सकते। ठीक है हमारे फ्रैंकलिन, अबे खोलो नहीं खोलो प्लीज खोलो, अबे जल्दी गाड़ी के अंदर लोग बंद करे, बेवकूफ कहीं के, जल्दी भागो नहीं। चलो फ्रैंकलिन उठने की कोशिश करो यार, ये तुम क्या कह रहे हो यार? मैं कोशिश कर रहा हूँ यार, जॉब दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो प्लीज, मुझे उठना ही होगा, मुझे अपने पैरों पे चलना ही होगा, मैं कब तक ऐसे रेंगता रहूँगा? और अगर आपने इससे पहले और भी पार्ट्स नहीं देखा तो प्लीज देख लीजिए, तभी आपको समझ में आएंगे कि आखिरकार चल क्या रहा है। प्लीज उठने की कोशिश करो फ्रैंकलिन, उठने की कोशिश करो यार। ठीक है फ्रैंकलिन तुम ठीक तो ना? जाओ मेरी बात सुनो, तुम चले जाओ, नहीं वो तुम्हें भी मार देंगे, निकल जाओ यहाँ से, उधर खिड़की साइड से, समझ गया ना? मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा फ्रैंकलिन, चाहे कुछ भी हो जाए, बिना तुम्हारे मैं किस लिए जीऊंगा यार? मेरी बात सुनो बेवकूफ, निकलो यहाँ से, नहीं तो तुम भी मारे जाओगे, मैं नहीं चल पाऊंगा अभी, मेरा पैर पूरी तरह से ठीक नहीं है, अगर मैं चलने की कोशिश करूंगा तो मेरी हड्डियां टूट जाएंगी। फ्रैंकलिन मुझसे ऐसा मत कहने को क्यों यार, प्लीज ऐसा मत कहो यार। यही मेरा अंत है, जाओ उन लोगों को आने में बहुत वक्त लग जाएगा, वो अंदर आ जाएंगे, जाओ निकलो यहाँ से। अबे नहीं इधर जाएं, हम पहुँच गए बहुत बुरी तरह से, अरे बाप रे नहीं इधर चलते जल्दी, चल 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 जल्दी भाई, चल सीढ़ी जल्दी ऊपर चलते हैं, बाप रे इतने सारे, इनको मारना नामुमकिन, अकेले और लोग की जरूरत पड़ेगी, मुझे जल्दी अंदर जाना होगा खिड़की साइड से। ठीक है आ रहा हूँ फ्रैंकलिन में, एक मिनट। ठीक है आगे अंदर, फ्रैंकलिन कहाँ तुम? फ्रैंकलिन हे हट जा, हम चापा में, रेड कैसे हो तुम? हम ठीक है, फ्रैंकलिन कहाँ? इधर जल्दी करो, कहाँ फ्रैंकलिन, कैसे हो तुम? फ्रैंकलिन और दरवाजा कौन कहा था बंद करने को बेवकूफ, अभी वो ज़ॉम्बी हमको पकड़ लेते। हाँ रेड मेरे दोस्त, अगर दरवाजा नहीं बंद करता तो अब तक हमें वो चबा चुके होते हैं। खैर तुम्हारा बहुत शुक्रिया आने के लिए, हाँ तुम आए किधर से? खिड़की की तरफ से यार, बहुत सारे हैं बाहर, बहुत सारे, वो दरवाजा ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा, हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा। और तुम जमीन में क्या कर रहे हो? बस अपने पैर पे चलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हालत और बुरी हो गई कि मैं अपने व्हील चेयर पर भी जाकर नहीं बैठ सकता, तो मुझे बैठा दोगे दोस्त? अरे बिल्कुल यार, रुको बैठाते हैं, रुको जल्दी करो रेड, जल्दी करो, कर रहे हैं यार, चलो यार फ्रैंकलिन। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, बहुत ज्यादा रेड। बाकी सब कहाँ है? बाकी होगी सबसे संपर्क कर रहा है, और जैक का कोई होता पता नहीं, और सिंचैन का भी नहीं, हमको सिंचैन के बारे में बिल्कुल नहीं पता। ठीक है कोई बात नहीं, हमें यहाँ जल्दी निकलना होगा, या तुम मुझे अपने पीठ पे बैठा सकते हो? चलो बैठ जाओ, और क्या बताएं, और तो कोई दूसरा चारा भी नहीं ना, आ जाओ हमारे पीठ पे, निकलना होगा यहाँ जल्दी। ठीक है मुझे बैठो, निकलते हैं यहाँ से, जल्दी करो एडम, जल्दी करो, हमारे पास वक्त नहीं है, बहुत सारे पीछे। अरे तो क्या करे यार, कहाँ जाएंगे इसको लेकर? स्पीकर मैन को, स्पीकर मैन धीरे धीरे बेहोश हो रहा है यार, उसको ज़ॉम्बी ने काटा है, वो बहुत जल्दी बदल जाएगा, अगर उसको वापस ऐसे नहीं छोड़ सकते। मुझे छोड़कर चले जाओ जैक, मेरा कुछ नहीं हो सकता। अरे चुप कर, तेरा कुछ नहीं हो सकता, मुझे जल्दी तेरे बारे में सोचना होगा स्पीकर में, तो परेशान में तो ठीक हो जाएगा। तुम सब जानते हो जैक, मैं कभी नहीं ठीक होऊंगा। और चुप कर बोला ला, चुप कर। अरे यार हमें जल्दी कहीं छिपना होगा, वो बहुत सारे हमारे पीछे से बस आते ही रहेंगे जैक, आते ही रहेंगे। मुझे भी पता है, कहीं पर भी कोई जगह नहीं है, और क्या करूँ, किधर जाओ। निकल जाओ जैक, परेशान मत हो प्लीज, निकल जाओ मुझे छोड़कर। और मैं बोल रहा हूँ ना, चुप कर स्पीकर में, चुप कर, ऐसे तुझे छोड़ के चला जाओगे क्या? बोले मुझे जल्दी से कोई अच्छी जगह जल्दी ढूंढ लाओगा। ए भाई, भाई।
ओ बुढ़ा बुढ़ा कैसा बुढ़ा तू? आई कहाँ पर है आप? आपसे कांटेक्ट आखिरकार हुई है भैया, कहाँ है आप? बुढ़ा मैंने स्पीकर बैग को लिया है, स्पीकर बैग को जॉम्बी ने काट लिया है, जल्दी फ्रैंकलिन को बता। अरे बाप रे, ऐसा नहीं हो सकता भाई, कैसे जॉम्बी उसको काट लिया भैया? बुढ़ा बताने का वक्त नहीं, जल्दी फ्रैंकलिन को इतना कर भाई। ठीक है, मैं करता हूँ फ्रैंकलिन को। हेलो, क्या हुआ? क्या हुआ? स्पीकर बैग को जॉम्बी ने काट लिया, बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हम आ गए, हमें जल्दी कुछ ना कुछ करना होगा। मैं फ्रैंकलिन से कॉन्टेक्ट करता हूँ। ठीक है, करता हूँ। फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन जवाब दो। फ्रैंकलिन, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? फ्रैंकलिन, जल्दी मुझे जवाब दो यार, भैया मुसीबत में है, स्पीकर मैन को जॉम्बी ने काट लिया है। फ्रैंकलिन आवाज तो प्लीज, मैं तुम्हारे सामने आवाज जोड़ता हूँ। फ्रैंकलिन हमें जल्दी आराम से निकलना होगा, अगर हमारी कार खराब होगी तो हम निकल नहीं पाएंगे यहाँ से। हमको पता फ्रैंकलिन परेशान हो, बहुत सारे यार, हमको पता है पता। ठीक है ठीक है ठीक है, एक दो तीन तैयार हो जाओ, बहुत सारे आ रहे हैं, आजा निकल जा, निकल जा प्लीज प्लीज। आराम से आराम से आराम से रेड। ठीक है ठीक है, निकलते हैं जल्दी। चार बज गए यार हम लोग। मैं समझा कहाँ रहा है, वैसे तुम मुझे सीट पे बैठा सकते हो। ठीक है रुको, थोड़ा सा कहीं पे रोक के बैठाते हैं, मेरा पेट बहुत तेज से दबा है, प्लीज रेड मुझे सही से बैठो। ठीक है बैठाते हैं यार। बैठो ना यार, रेड क्यों ऐसा कर रहे हो? वेल बैठा रहे यार, रुक यार, तुम लोग तो और कसम से परेशान कर डालते, तुम लोग जान बचाओ, ऊपर से थैंक यू बोलने के बजाय परेशान करे हमको। मेरे कहने का मतलब मैं सही से सांस नहीं ले पा रहा, जल्दी कहीं पे रुक के मुझे साइड में बैठाओ यार, मेरा पेट दबा है। ठीक है एक मिनट, जल्दी करो देश से, जल्दी करो, बस हम पहुंच गए, फ्रैंकलिन बहुत ज्यादा मुसीबत में होगा, आजा जल्दी करो। आराम से जनवा पे कुछ भी हो सकता है, आराम से चलेंगे। अरे नहीं नहीं, अब तो आग लगी है, अब हम क्या करें? बाप रे कितने सारे ज़ॉम्बीज़ चारों तरफ है, क्या करें? आराम से बिल्कुल आराम से, हम कुछ भी कर सकते हैं, हमें बस अंदर जाना होगा। हम ऐसे अंदर कैसे जाएंगे इसकी बीड़ी? परेशान मत हो, हम जाएंगे अंदर, सिंचन अपने दोस्तों को निकाल कर रहेंगे। अरे यार बाप रे बाप, सिंचन सुन रहे हो तुम? हाँ जी सुन रहे, सुन रहे। सिंचन मेरी बात सुनो, मेरी फ्रैंकलिन से बात नहीं हो रही है, शायद वो फैक्ट्री के अंदर नहीं है। अरे यार ऐसा मत क्यों, आखिर हुआ क्या हो गया? हमारे ख्याल से निकल गए होंगे वो लोग, क्योंकि रेड क्रिमिनल पहुंच चुका था। हालांकि मेरी उससे बात नहीं हुई, फिर भी मुझे ऐसा लगता है मैंने उसको कोई सैटेलाइट फोन नहीं दिया था। अरे यहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ हैं और आग भी लगी है, जाकर अंदर देखता हूँ, शायद वो लोग हूँ। अंदर मत जाओ नहीं तो मारे जाओगे, हो सकता है कि अंदर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ भरे हुए हो। फिर भी जाकर देख लेता हूँ, अपने दोस्तों को मैं ऐसे नहीं छोड़ सकते। ठीक है अंदर जाकर देख लो। अरे यार आगे मुझे बाहर तो ज्यादा ज़ॉम्बीज़ नहीं दिख रहे, कुछ ऊपर छत पे है, कोई इधर उधर साइड है, मेरे ख्याल से बंदर ही घुसे होंगे। मैं कह रहा हूँ अंदर मत जाओ, फ्रैंकलिन लोग निकल गए होंगे, रेड क्रिमिनल टाइम से पहुंचा होगा, मत जाओ अंदर सिंचन। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ क्या कर सकते हैं। और सिंचन एक बात और, एक बहुत ही दुखी खबर है। कौन सी होगी बताओ ने? स्पीकर मैन को ज़ॉम्बी ने काट लिया। अरे ऐसा नहीं हो सकती, क्या हुआ है? आओ मुझे बताओ। इसकी बड़ी को मत बताना प्लीज, वो उसका दोस्त है। तो फिर कब बताऊं मैं उसको? अभी बात बताना, पहले वहाँ से निकलो, मेरे हिसाब से निकलना ही बेहतर होगा, मेरी भैया से बात हो चुकी है, मैं भी यहाँ से निकलता हूँ, मेरा भी काम खत्म ही हो गया, मैं भैया से मिलकर फिर वहाँ पर आता हूँ। ठीक है ठीक है, समझ गया, होगी ठीक है। तुम लोग आस पास है ना, लेकिन उस गारमेंट फैक्ट्री के अंदर मत जाना। ठीक है मैं समझ गया, होगी समझ गया। बताओ क्या करना सिंचन, क्या करना है? हमें अंदर नहीं जाना, आदेश मिले हमें, हमें नहीं लगता फ्रैंकलिन अंदर होगा, क्योंकि पूरी फैक्ट्री पूरी तरह से जल चुकी है। तो फिर कहाँ चले? आ जाओ मैं बताता हूँ कहाँ चले, यहीं पे आस पास रहेंगे, और जैक होगी यहीं पे आ रहे हैं, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो आ जाओ जैक, चलो आ जाओ। बस आ गया। ठीक तो अरे स्पीकर में बहुत ही मुश्किल से उन लोग का पीछा छूटा है, स्पीकर में छूटा है तू, स्पीकर में रुक जैक, मिनट जैक मेरी बात सुनो, ज्यादा देर तक नहीं बचूंगा, मैं तुझे बचा लूंगा स्पीकर में, प्लीज भरोसा कर मुझ पे, भरोसा कर, अब ज्यादा दूर नहीं है, अब जल्दी जैसे गारमेंट फैक्ट्री पहुंचेंगे, अब वहाँ पर कोई ना कोई इलाज जरूर ढूंढ लेंगे। जैक मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि इसका कोई इलाज नहीं है। एडम बिल्कुल सही कह रहा है जैक, कोई इलाज नहीं है इसका, तुम सब मेरी वजह से मारे जाओगे, चले जाओ। यार तुझे इस हालात में छोड़कर कैसे जाए, कैसे, ये गवारा नहीं करेगा, मैं अपने दोस्तों का साथ कभी नहीं छोड़ता, नहीं छोड़ता। हमें चलना होगा जैक, चलना ही होगा, हम कुछ नहीं कर सकते, मेरी बात सुनो। जैक को बिल्कुल सही कह रहा है, निकल जाओ तुम लोग, और वैसे भी जैक मौसम बिगड़ रहा है, तुम लोगों को जाकर कहीं रुकना होगा, निकल जाओ। ओ दोस्त मुझे माफ कर दे, मैं कुछ नहीं कर सकता, अपनी जिंदगी में कभी भी इतना ज्यादा मैं मजबूर महसूस नहीं किया। लेकिन सच्चाई यही है कि हमें कभी कभी कुछ चीजें छोड़ देनी चाहिए जैक, चलो निकलते हैं दोस्त, चलो। उस पे एहसान करो जैक, मुझे एक गन दे दो, मैं उनमें से बदलना नहीं चाहता। ठीक है दोस्त, ठीक है, फिर मिलेंगे स्पीकर मैन, फिर मिलेंगे, जाओ निकल जाओ।
जाओ निकल जाओ, चला जा जल्दी कर निकलते यहाँ से। मुझे स्पीकर वायर को छोड़ना पड़ रहा है, मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, मैं उसके लिए कुछ कर नहीं सकता। चलो रैबिट हमारा काम खत्म। हाँ? हमने रेडियो टावर को पूरी तरह सेट कर दिया, अभी चलेगा। हमें जल्दी भैया के पास पहुँचना होगा। मैं जाके फ्रैंकलिन को ढूंढूंगा मेरे ख्याल से। हाँ वही करेंगे रैबिट, पहले सिंचैन के पास जाते हैं क्योंकि सिंचैन वहाँ गारमेंट फैक्ट्री में होगा, उससे मिलेंगे और उसके पास जो पानी है उसको लेंगे और उस पर मैं रिसर्च करूंगा। और रिसर्च करने के बाद अगर वो पानी पीने लायक होगा, अगर हम उसे बना सकें तो बहुत कुछ बढ़िया हो जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं तुम? लेकिन स्पीकर मैन का क्या? स्पीकर मैन के लिए कुछ नहीं कर सकते भैया, ना जहाँ तक मुझे लगता है कि स्पीकर मैन को छोड़ दिया होगा, वो ज़ॉम्बी बन चुका होगा, कोई इलाज नहीं है इसका। बहुत बुरा हुआ यार, बहुत ज्यादा। हाँ रैबिट, हम उस दुनिया में रहते हैं जहाँ पर कुछ भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। चलो निकलते हैं, चलो जल्दी करो, चलो आ जाओ दोस्त, जल्दी करो। हाँ। चलो जल्दी से कार को ढूंढते हैं, यहाँ तो ज्यादा दूर नहीं है गारमेंट फैक्ट्री। आ रहा मैं भी यार, आ रहा आगे। हाँ जल्दी करो जल्दी करो। हाँ निकलना है यार, इसे जल्दी मारो यार, ये मेरे पीछे है इन्फेक्टेड कुत्ते। अरे यार इनसे तो और मैं परेशान हो गया। ठीक है, ओ तो हो रही गारमेंट फैक्ट्री। हाँ वहाँ पे लगी यार। अरे बाप रे, आ गया ये लोग, जल्दी निकलो जल्दी। अरे बाप रे, ज़ॉम्बीज भी है यार, मेरे पास कोई खास गन भी नहीं है ना गोली है। जल्दी हमें दौड़ते दौड़ते निकलना होगा रैबिट, जल्दी करो, वो ज़ॉम्बीज हमारे पीछे पड़ गया यार। तुम्हारे पीछे ही आ रहा हूँ, पीछे ही आ रहा। भाई सुन रहे भैया, भैया हेलो भाई, भाई से कनेक्ट नहीं हो पा रहा यार। लगता है जैक कोई गहरी जगह पे होगा इसलिए मुझे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है। हाँ मुझे भी ऐसा लगता है यार, भाई से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, कि भाई को वहीं पे बुला लेता। चलो देखते हैं, पहले गारमेंट फैक्ट्री चलते हैं, भाई को वहीं पे बुला लेंगे। भाई मैं भी पहले गिर रहा था होगी। मारो उनको, वो पीछे इन्फेक्टेड कुत्ते। मार दो मार दो। ये करने के लिए मुझे माफ कर देना इसके बेटे, और रेड क्रिमिनल हम हमेशा दोस्त रहेंगे। बाय दोस्तों। अरे हम कब तक ऐसे ही चलते रहेंगे, कहीं रोकोगे भी? एक मिनट ये वाली पार्किंग में सोलर पैनल चल रहा है, चलो अंदर चलते हैं। हाँ चलो कहीं तो रोको कम से कम। ठीक है ठीक है। अब आगे क्या करें फ्रैंकलिन? ये बताओगे तुम्हारे पास सैटेलाइट फोन है? नहीं मैं पास गए, तुम्हारे तो रेडियो होगा ना? अरे यार रेडियो तो वही रह गया गारमेंट फैक्ट्री के अंदर। ये बताओ हम अपने दोस्तों से कॉन्टेक्ट कैसे करेंगे बेवकूफ? तुम्हारे पास सैटेलाइट फोन होना चाहिए था ना, मैंने तुमको दिया तो था। अरे कहना कि बॉक्स में रखा था सैटेलाइट और बॉक्स आगे को दे दिए। अब चल कर हमें उन्हें फिर से ढूंढना होगा, हमारी कार में इतना ज्यादा पेट्रोल भी नहीं कि जाकर उन्हें ढूंढे। अबे तो चलो चल के ढूंढते हैं ना। रेड क्या तुम पागल हो गए हो क्या? फ्रैंकलिन चल सकता है क्या? मुझे जल्दी से अपने पैर में कोई ना कोई ट्रीटमेंट लेना ही होगा, पहले जब मैं लंगड़ा के चलूं, लेकिन चलना ही होगा मुझे जब तक मैं पूरी टीम को लीड खुद नहीं करूंगा, मतलब खुद जाकर फील्ड में नहीं उतरूंगा कुछ नहीं होने वाला। एक काम करो हॉस्पिटल चलो, वहाँ भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स मिल जाएंगे मुझे अपने पैर की इलाज करने के लिए। अबे हॉस्पिटल खतरनाक हो सकता है फ्रैंकलिन। मुझे पता है मैं वहाँ जा भी चुका हूँ, वहाँ भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज भरे हुए हैं हॉस्पिटल के अंदर, लेकिन फिर भी हमें जाना ही होगा फ्रैंकलिन। ये बहुत खतरनाक हो सकता है यार, मुझे अपना पैर ठीक करना है तो जाना ही होगा चाहे कितना भी खतरनाक हो। चलो निकलते हैं हॉस्पिटल की ओर। ठीक है जब तुम इतनी जिद कर रहे हो, चलो चला जाए हॉस्पिटल ही चलते हैं। बस बाद में एमसी ने कहने फ्रैंकलिन के हमने मना नहीं किया था। मैंने कहा ना चलो, फालतू बात मत करो रेड, हमें अपने दोस्तों को कांटेक्ट करना है। और पता नहीं किसको क्या मिला क्या नहीं मिला हमें कुछ नहीं पता, पता नहीं सिंचैन को पानी मिला या नहीं मिला, और पता नहीं जैक को वो सारी बंदूकें मिलेंगी नहीं मिली हमें कुछ भी नहीं पता, हमारे पास ज्यादा बंदूकें और गोलियां नहीं है। फिर भी तुम हॉस्पिटल जाना चाहते हो? हमारे पास न बंदूक है, कैसे वहाँ पर जिएंगे? अगर मान के चलो ज़ॉम्बीज का झुंड हमारे ऊपर आ गया तो हम कैसे उनसे लड़ेंगे? हम उसे बाद में देखेंगे रेड, जरूरी नहीं कि वहाँ पे ज़ॉम्बीज ही हो, शायद वहाँ पर कोई और भी गया हो और ज़ॉम्बीज वहाँ से निकल गए हो। एक भाई मुझे आगे चलो चलो देखते हैं, जो होगा सभी लोग के ऊपर पड़ेगा, क्या मतलब है? चलो ठीक है चलते हैं। हेलो फ्रैंकलिन, ज़ॉम्बीज से भरे हॉस्पिटल में हम लोग आ चुके हैं। जल्दी गाड़ी रोको और मुझे अपने पीठ पर ला दो और अंदर चलते हैं। ठीक है भाई ठीक है। रास्ता किधर से यार? इधर से। ठीक है चलो चलते हैं अंदर। आ जाओ। अरे मुझे अपने पीठ पे उठाओ, मैं कैसे आ जाऊँ? हाँ मतलब ठीक है यार, तुम तो गुस्सा रहे हो। चलो आ जाओ चुप, चलो जल्दी करो, चलने के लिए तैयार ही जाओ। यार फालतू बात कर रहा था, चलो अंदर चलो। अरे यार बहुत डर लग रहा है। ठीक है दोस्तों, लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर देना, शायद इससे कोई मतलब मिल जाए। ये तुम क्या भग रहे हो? चलो अंदर। ठीक है लाइट चलाओ। हाँ ठीक है, तुमसे चलने। एक मिनट इधर बताओ यार फ्रैंकलिन। बताओ ना फ्रैंकलिन। मैं सोच रहा हूँ सोच रहा हूँ, सोचने का वक्त दे तुम लोग। क्या यार? हाँ इधर चलो। ठीक है ठीक है ठीक है, अभी तो कोई नहीं दिख रहा यहाँ पर। हाँ अभी कोई नहीं है, हमारी किस्मत अच्छी है कोई नहीं यहाँ पर, बस कुछ किराना उराना नहीं और कुछ पटकना नहीं। ठीक है ठीक है, मुझे यहाँ पर लिटा दो। ठीक है लिटाते हैं। और जाके जनरेटर ऑन करो, जनरेटर नीचे होगा। अब नीचे तुमको उतार के जाएंगे, अभी तुम अगर ज़ॉम्बी आ गए तो कैसे भागोगे? जितना मैं कहता हूँ उतना तुम करो, मुझे यहाँ पे उतारो, जॉब के साथ छोड़ दो और तुम जाके जनरेटर ऑन करो, तभी मशीन को चालू कर पाएंगे हड्डी को दोबारा सही करने के लिए। ठीक है भाई, बड़े जिगर वाले हो यार फ्रैंकलिन तुम। जल्दी लुटा मुझे जल्दी। ठीक है भाई लिटाते हैं। तो चल फ्रैंकलिन ख्याल रखना। ठीक है तुम परेशान मत होइए, मैं ख्याल रखूंगा। ठीक है फ्रैंकलिन चलते हैं। जाओ मैंने कहा ना जाओ जल्दी। ठीक है कौन साइड में जाना है? तुम यहाँ पे कभी नहीं आए हो क्या? नहीं मैंने बस सुना था कि यहाँ पे ज़ॉम्बी बोल रहे थे, लेकिन आए नहीं भाई, हमारे बस की बात नहीं यहाँ पे आना। ठीक है हाँ सही रास्ता है, जाते रहो उधर सीढ़ी की तरफ। ठीक है सीढ़ी किधर है यार? सीढ़ी सीढ़ी सीढ़ी, हाँ ये रही।
ठीक है मिल गए, ठीक है जनरेटर हो गया ऊपर साइड, जाकर देखता। चल जल्दी कर एडम, जल्दी कर, अब लोग बस ऊपर आ गए। अरे बाप रे जॉबिस, ये ले, अरे ये ले, ये ले, ये ले, अरे इंफेक्टेड कुत्ते, ये ले, ये ले, ये ले, अरे बाप रे, ये ले, ये ले, ये ले, बस आ बजिया। अरे यार पता नहीं कहाँ से आ रहे भाई। अरे जो भी चारों तरफ है, चला डबा जाओ ऊपर। हाँ आगे आगे, बहुत लंबा सफर कर लिया यार हम लोगों ने, बहुत ज्यादा थक गया। जो समंदर सूखा था उसे यादर था, पार करके आ रहा था, स्पीकर मैन को वहीं पे छोड़ दिया इसकी वजह से, अब तक वो मर गया होगा। मुझे बहुत ज्यादा अफसोस है भाई, मुझे भी बहुत ज्यादा है भाई। जल्दी आइए गारमेंट फैक्ट्री के पास, सब लोग वहीं पर मिलते हैं। क्या बता फ्रैंकलिन का पता चला? नहीं भाई अभी तक कोई अता पता नहीं चला फ्रैंकलिन का, कोई भी अता पता नहीं। क्या हुआ यार फ्रैंकलिन का पता चला कि नहीं? नहीं अभी कोई पता नहीं है फ्रैंकलिन का। क्या बता बता पहले बात होती रही फ्रैंकलिन से? भाई बात हुई थी। तो उसने क्या कहा था? भाई उसने मदद मांगी थी, मैंने रेड क्रिमिनल को भेजा है, रेड क्रिमिनल से भी कोई कॉन्टेक्ट नहीं क्योंकि उसके पास सैटेलाइट फोन ही नहीं है। ओए बाप रे फिर से सब खो गया, अब सबको ढूंढना पड़ेगा। चल ठीक है मैं आ रहा हूँ गारमेंट फैक्ट्री के पास, वहीं पर रहना। हाँ भाई हम लोग यहीं पर है, जल्दी आइए मैं पहुंच ही रहा हूँ। ओके मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। हालत खराब हो गई। ये भाई ये बताइए जो काम से गए थे वो सारी चीजें मिल गई कि नहीं? हाँ सब मिल गए बेटा, बैग भर के लेकर आ रहा हूँ, परेशान मत हो, बहुत तेज आ रहा हूँ। हाँ भाई जल्दी आइए हमें जरूरत है उसकी, बहुत सारे ज़ॉम्बीज हैं यहाँ पर। ओके ठीक है बेटा, परेशान मत हो मेरे भाई, मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, बस आ ही रहा हूँ। आ गया आ गया आ गया, आ जाओ रैपिड आ जाओ, बस पहुंच ही गया, चलो जल्दी करो। पता नहीं सिंचन लोग कहाँ पर होंगे यार। अरे आगी तुम आगी। ओ, तो तुम लोग यहाँ पर हो, कैसे हो सिंचन? मैं ठीक हूँ यार, हमें जाके फ्रैंकलिन को बचाने होंगे। एक मिनट मुझे देखने दो, फैक्ट्री पूरी तरह से चल चुकी है, 100% फ्रैंकलिन अंदर नहीं है, बात मान लो मेरी। लेकिन तुम्हें कैसे पता होगे? कैसे तुम्हें पता? मुझे पता है वो फ्रैंकलिन है, कोई बच्चा नहीं, वो जानते हैं उसे क्या करना है। रेड क्रिमिनल ने उसको यहाँ से निकाल लिया होगा, वो तीनों निकल गए होंगे, जो फ्रैंकलिन और रेड क्रिमिनल, लेकिन हमें अंदर जाना होगा। हम अंदर क्या करने जाएंगे, अंदर बहुत खतरे ही। हमें जाकर वो रेडियो निकालना है, जो मेन रेडियो है जिससे हमने रेडियो टावर को कनेक्ट किया है, उसकी जरूरत पड़ेगी हमें। तुम्हें कैसे पता कि वो अंदर है कि फ्रैंकलिन ने ले गया होगा? अगर फ्रैंकलिन अपने साथ उसे ले गया होता तो उसे मेरी बात हो रही होती। उसे कोई बात नहीं हो रही है, कोई सिग्नल उसे नहीं मिल रहा है, तो मेन रेडियो अंदर ही होगा, हमें उसे उठाना होगा। बहुत मेहनत से हमने हैकिंग करके सारे सिस्टम बनाए हैं, अगर वो चल गया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, हमें जल्दी अंदर जाना होगा। चलो ठीक है अंदर चलते हैं। तुम लोग एक काम करना, बाहर रहना, मैं सिंचन जाऊंगा अंदर से जल्दी उठा लूंगा, और उम्मीद करते हैं कि शायद अंदर के ज़ॉम्बीज मर चुके हुए हैं, क्योंकि तुम देख सकते हो यहाँ पे आग लगी है बहुत भयंकर तरीके से। फिर भी यार एक बार सोच लो, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या रैबिट? अगर अभी सोचेंगे तो जिंदगी भर सोचते रहेंगे। चलो जल्दी करो हमें अंदर जाना होगा, जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी। और सिंचन मुझे ये बताओ कि वो पानी तुमने भरा था कि नहीं? मैंने भरे थे, भरे थे टाइगर के पैसे। लो टाइगर, ये लो पकड़ा। ठीक है मैं इस पे रिसर्च करूंगा, देखूंगा कि पानी पीने लायक है कि नहीं। चलो आ जाओ ज़ॉम्बी से बचकर, चलो जल्दी करो जल्दी करो, उनके पीछे में नहीं पड़ना है, बस हमें जल्दी से निकलना है। चलो जल्दी करो, लड़ना उड़ना नहीं है, आ जाओ जल्दी करो। वही कर रही वही कह रही वही कर रही। सारे अंदर होंगे, मर भी चुके होंगे ज्यादा मुझे लगता है, आस पास बस कुछ ही है, चलो आ जाओ जल्दी करो। अरे यार बाप रे, ठीक है हाँ, पता नहीं एडम ने कैसे बोला था कि यहाँ पे ज़ॉम्बीज आ ही नहीं सकते, बेवकूफ ने। चलो दोस्तों जल्दी करो जल्दी करो। तुमने बिल्कुल सही कहा, एडम ने कहा था यहाँ पे कोई भी ज़ॉम्बीज नहीं आ सकते, लेकिन ज़ॉम्बीज है ज़ॉम्बीज है। अरे बाप रे, जल्दी 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 खिड़की को फोड़ो यार, तुम लोग बाहर ही रहना, इन लोग को देखते रहो। ठीक है फोड़ता हूँ खिड़की, 1 2 3 टाइगर रैबिट और स्किबिडी बाहर देखो, हम और सिंचन अंदर होकर आते हैं, चलो जल्दी करो। आ गए अंदर, आ जाओ सिंचन। बाप रे मैंने पहले ही कहा था सब चल के मर चुके हैं, कोई भी नहीं बचा है। हो चलो रेडियो देखते हैं। बिल्कुल सही कहा था तुमने, आगे मुझे लगा ही था। ठीक है ये रहा रेडियो, जल्दी भरता हूँ इसको। चलो निकलते हैं सिंचन, जल्दी करो यहाँ से भागते हैं। उन लोगों ने बहुत सही किया इनको चला दिया, बाप रे इतने सारे ज़ॉम्बीज, चलो निकलते हैं यहाँ से जल्दी करो। चलो 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 निकलते हैं, चलो चलो चलो। ओके चलो भागते हैं। अरे यार ये तो बाहर ही खड़े हैं, बाप रे। चलो दोस्तों चलो 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 जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी, सीढ़ी से उतरना होगा। पीछे अरे यार बाप रे, ये लो भागो भागो जल्दी करो, शॉट गन से उन्हें मार नहीं पाएंगे। चलो जल्दी निकलो यहाँ से, बाप रे निकलते हैं, चलो दोस्तों जल्दी करो। आगे आखिरकार हम कहाँ जाएंगे? कहीं नहीं जाएंगे भैया, यहीं पे आएंगे। चलो यहीं पे आसपास कहीं रहते हैं, भाई लोग आएंगे फिर उसके बाद भाई बताएंगे क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है समझ गए समझ गए समझ गए। आ जाओ इस तरफ, यहीं पे कहीं छिप जाते हैं, नहीं तो ज़ॉम्बीज़ हमारे पीछे ही आएंगे, वो देखो। ठीक है कहाँ पे जाए कहाँ पे जाए, लेकिन जाए हमें देख नहीं पाएगा अगर हम अंदर की होंगे। भाई से मेरा कॉन्टेक्ट है, परेशान मत हो हम मिल जाएंगे, आ जाओ छिप जाते हैं। नहीं आते सीढ़ी की कैब, भाई कैब से ढूंढ रहे हैं, जनरेटर को मिल ही नहीं रहा, बस सीढ़ी तो सीढ़ी चढ़े रहे हैं यार, मूड खराब हो रहा है। ये रहा जनरेटर, बहुत सही मिल गया मिल गया मिल गया, अब इसको देखता हूँ कैसे चालू करना है कैसे नहीं। ये आवाज कैसे यार, देखता हूँ एक मिनट, ये तो वही सारे ज़ॉम्बीज हैं। नहीं 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 बाप रे, ये बहुत सारे सारे सारे, मेरा दिल धड़क रहा है बहुत तेज, मैं क्या करूँ यार, मुझे यहाँ जल्दी निकलना होगा, इन्हें अगर
पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ, मुझे खा जाएंगे सब मिलकर। मैं जनरेटर चालू करूँ या ना चालू करूँ? अगर चालू करूँगा तो इन लोग पीछे पड़ जाएंगे। क्या करें यार, मैं एक काम करता हूँ, इस दरवाजे को इधर से बंद कर लेता हूँ, लेकिन ये बहुत सारे तोड़ देंगे, लेकिन तब तक मेरे पास टाइम मिल जाएगा भागने के लिए। बहुत सारे अंदर, ठीक है जल्दी बंद करता हूँ। जाओ, इतनी देर से तुम चुप क्यों हो यार? तुम तो चुप ही नहीं होते, कुछ ना कुछ तो बोलते ही रहते हो, तो बोल क्यों नहीं रहे हो तुम? जॉब 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 कहाँ हो तुम? हाँ, वो तो यहीं पे था, कहाँ है वो? नीचे उतरता हूँ। जॉब जॉब कहाँ हो तुम? जॉब फिर जॉब कहाँ सकता है? वो तो यहीं पे था। जॉब जॉब कहाँ हो तुम? जगह देता हूँ, यहाँ पे ऐसे आवाज लगाना भी बहुत खतरनाक है। लेकिन गया कहाँ वो? जॉब यहाँ। जॉब हे जॉब, तुम्हें क्या हुआ यार? हाँ जॉब, तुम तो वहीं पे थे ना, यहाँ पर क्या कर रहे हो? जॉब तुम्हें आवाज कैसे निकाल रहे हो, कर क्या रहे हो तुम? नहीं 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 जॉब जॉब।